नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के इस टॉप 5 में हम बात करेंगे, कोरोना संकट तो देश भर में है ही, उत्तराखंड में है ही, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संकट से जूझने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं उनको लेकर कुछ सुनवाई की है और सरकार को कड़ी फटकार भी इस मामले में लगाई है। वही बात करेंगे, उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान जो है 18 से 44 साल तक के लोगों का वो शुरू हो चुका है। एक और खबर में बात करेंगे कि इसी टीकाकरण अभियान के दौरान एक विधायक को खरी खोटी जनता ने सुनाई। कहां पर सुनाई वो वीडियो भी आपने देखा होगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे, उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के जो नए केस हैं वो केस थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। अगली खबर में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से मौत के मामले में उत्तराखंड देश भर में लगातार आगे बढ़ रहा है और हिमालयी राज्यों के मामले में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। लेकिन नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार, कहा शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं। प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू, मुख्यमंत्री ने कहा सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है काम। टीकाकरण में देरी को लेकर ऋषिकेश विधायक को लोगों ने सुनाई खरी खोटी, केंद्र पर देरी से पहुंचे थे विधायक। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन कम हुए कोरोना के नए मामले, लेकिन मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, पिछले 24 घंटों में 168 लोगों की मौत। उत्तराखंड में चिंता बढ़ा रहे हैं कोरोना के आंकड़े, मौत की दर में देश में 9वां स्थान, तो वहीं हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पर उत्तराखंड। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। इस मामले पर हाईकोर्ट ने एक सुनवाई की है और हाईकोर्ट इस मामले पर लगातार अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कर रहा है। हाईकोर्ट में इस बार जो सुनवाई हुई उसमें राज्य सरकार को जमकर फटकार हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई। आपको हम ये बता दें कि उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड अस्पतालों की व्यवस्था आदि के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उनको हाईकोर्ट ने अपर्याप्त बताया है। ये भी बताया है कि ये आधे अधूरे हैं और इसको लेकर तल्ख टिप्पणी अदालत ने की है। अदालत ने यह भी कहा है कि वर्तमान में हम एक अदृश्य शत्रु के साथ एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति में हैं और इसके लिए सरकार की तैयारी, सरकार की गंभीरता होनी चाहिए। लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने यहाँ पर कई तरह की तल्ख टिप्पणियाँ की हैं, कई तरह के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार से एक शपथ पत्र मांगा था, वो शपथ पत्र स्वास्थ्य सचिव ने वहाँ पर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि ये शपथ पत्र भी पर्याप्त नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं और एक बार फिर से शपथ पत्र देने को हाईकोर्ट ने कहा है। तो इस तरह की फटकार हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को वहाँ पर लगाई गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी, अगली सुनवाई में क्या कहेगी अदालत ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अदालत का कहना यह है कि सरकार की तैयारियों से हम संतुष्ट नहीं हैं और 20 मई तक दोबारा एक बार फिर से शपथ पत्र सरकार दे। इसके अलावा जो हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश भी यहाँ पर सरकार को दिए हैं, हाईकोर्ट का कहना है कि प्रदेश में जो कोरोना टेस्टिंग लैब है उनको बढ़ाया जाए क्योंकि टेस्टिंग काफ़ी नहीं हो पा रही है, मोबाइल सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में भी टेस्टिंग हो सके, बंद कॉलेजों को कोविड केयर सेंटर बनाने पर विचार करे, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा की निगरानी सरकार किस तरह से करेगी उस पर भी सरकार अपना जवाब दे। वैक्सीनेशन सेंटर अस्पतालों से हटाएं, हाईकोर्ट का कहना यह है कि अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनको हटाया जाए। इसके अलावा भी हाईकोर्ट ने और कई तल्ख टिप्पणियां सरकार को कही हैं। सरकार जानकारी देने के बजाय अंधेरे में रख रही है जो कि आपत्तिजनक है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और 20 मई तक दोबारा एक बार फिर से विस्तृत शपथ पत्र देने को कहा है, विस्तृत जानकारी देने को कहा है। और ये भी हाईकोर्ट ने कहा है कि वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद भी दूसरी लहर के लिए सरकार चेती नहीं, तो फिर अब जो तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है इसमें क्या कुछ सरकार के पास कदम है, क्या कुछ सरकार के पास प्लान है, तो ये विस्तृत तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है क्योंकि देश भर में ही ये स्थितियां हैं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं। और उत्तराखंड देश भर में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसको देखते हुए अब हाईकोर्ट जगह जगह के स्वतः ही इस मामलों में संज्ञान ले रही हैं और सरकारों से पूछ रही हैं कि आखिर आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं अभी के लिए और क्या व्यवस्थाएं हैं आने वाले समय के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में शुरू हुए टीकाकरण अभियान की। 10 दिन के बाद ही सही, लेकिन प्रदेश में 18 से और 44 साल तक के जो लोग हैं इस आयु वर्ग के लिए प्रदेश सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे एक कार्यक्रम में और वहां पर उन्होंने इस अभियान को शुरू किया। हरिद्वार बाईपास रोड स्थित जो राधा स्वामी सत्संग भवन परिषद है
वहां पर यह अभियान शुरू किया गया प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस अभियान के तीसरे दौर में प्रदेश को 50 लाख युवाओं का टीकाकरण करना है, सरकार का कहना यह है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जहां सबसे पहले 18 से और 44 साल के जो लोग हैं उनको फ्री टीका देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा उत्तराखंड पहला राज्य रहा था जिसने ये घोषणा की थी और इसके बाद अन्य राज्यों ने ये घोषणा की है। इस पर राज्य सरकार का 400 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। जल्द ही वैक्सीनेशन की नई खेप भी राज्य को मिलेगी, सीएम ने यह कहा। सीएम ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में न्याय पंचायत स्तर तक इसको ले जाया जाएगा, वहां पर कैंप लगाया जाएगा और जो कोरोना से लड़ाई है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी होने नहीं देंगे। सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू हो चुका है। पहले दिन युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। देहरादून जैसे शहरों में दो दो तीन तीन दिनों के स्लॉट बुक हो चुके हैं, लगातार स्लॉट बुक हो रहे हैं। लेकिन पहले दिन 16,000 से भी कम 18 से 44 साल का जो आयु वर्ग है उनको वैक्सीन लगाई गई। ये अपने आप में एक स्लो गति भी है, लेकिन एक दूसरा कारण जो मुख्य सचिव ने बताया वो ये भी है कि प्रदेश में इस वक्त वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन इतनी पर्याप्त मात्रा में है नहीं कि हम अधिक संख्या में वैक्सीन इस आयु वर्ग के लोगों को लगा सकें। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जिस खेप की बात कही जा रही है जो कि उत्तराखंड पहुंचेगी, 1-1.5 लाख और वैक्सीन पहुंचनी है, तो वो जितनी जल्दी पहुंच सके, जितनी जल्दी युवाओं को और जितनी जल्दी 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लग सके उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि संक्रमण जो है उससे रोकने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक आबादी को लगाया जाए उतनी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी और उसका फायदा साफ तौर पर लोगों को होगा, लोगों की जान बच सकेगी। जब प्रदेश भर में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ तो कई जगहों पर इस टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए प्रोग्राम्स रखे गए। खुद मुख्यमंत्री देहरादून और हल्द्वानी पहुंचे जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया, तब जाकर के टीकाकरण शुरू हुआ। ऋषिकेश में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम रखा गया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल इसके बाद हुआ जिसमें कि ऋषिकेश के जो विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो एक सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें खरी खोटी सुना देते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। ये बताया गया कि यहां पर लोग सुबह 8 बजे से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हो गए थे, लेकिन विधायक साहब 11:15 बजे इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आए। लोगों को इस बीच यानी कि करीब 2 से 2.5 घंटे का जो समय था इस बीच वैक्सीन नहीं लगाई गई। ये बताया गया कि वैक्सीनेशन का जब उद्घाटन होगा तो उसके बाद वैक्सीन लगेगी और उद्घाटन करना था ऋषिकेश विधायक को, तो लोग इस पर विफर पड़े। जैसे ही विधायक साहब वहां पर पहुंचते हैं तो वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। कई लोगों ने नारेबाजी की, विधायक को खरी खोटी सुनाई। ये कहा गया कि ये कोई फोटो खिंचाने का वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है। तो वहीं इस पर जो विधानसभा अध्यक्ष और वहां के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी तरफ से भी सफाई दी गई। उनका कहना यह था कि वैक्सीनेशन शुरू होने का समय ही 11 बजे था, जबकि लोगों का कहना यह है कि जो स्लॉट उन्होंने बुक करवाया था उसमें 9 बजे से और 11 बजे तक का समय स्लॉट में दिखाया गया था। ऐसे में क्या सिर्फ और सिर्फ रिबन काटने के लिए या फिर उद्घाटन करने के लिए इतनी देरी की गई? अगर की गई तो वाकई में चिंता की बात है। एक ऐसे समय में जबकि लोगों के पास समय बेहद कम है, लोग काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द इलाज की आवश्यकता है, वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, तो ऐसे समय पर क्या इस तरह की बातें ठीक है या गलत हैं, ये भी अपने आप एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता रहा जो कि ऋषिकेश का है, जहां पर कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जब विधायक साहब पहुंचे तो काफ़ी हंगामा देखने को मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना मीटर की। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन कोरोना के जो नए केस हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, राहत की बात रही है। जब से उत्तराखंड में 1-2 दिन पहले जब 9,000 केस सामने आए थे, उसके बाद धीरे धीरे 8,000 केस, फिर 5,500 करीब केस, और एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में 5,541 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये मामला घट रहा है, राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो इस चिंता को कम होने नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 168 लोगों की मौत हुई है। मामले जहां नए कम हुए हैं तो वहीं मौत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे वाकई में चिंता बढ़ रही है। एक दूसरी चिंता की बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में जो सैंपल टेस्टिंग है वो कम हो रही है। बीते दिन यानी कि सोमवार के दिन प्रदेश में 21% संक्रमण की दर रही और जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो लगातार चिंता बढ़ा रहा है। तो प्रदेश में सोमवार को 26,562 सैंपल की जांच की गई। इस 26,000 में से 5,541 सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए और इस हिसाब से संक्रमण दर करीब 21% की रहती है। चिंता ये भी है कि मौत का सिलसिला प्रदेश में थम नहीं रहा है। बीते दिन 180 केस सामने आए थे मौत के, तो वही पिछले 24 घंटों में मौत के 168 मामले सामने आए। 168 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े भी वो हैं जो कि अस्पतालों में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा 2,49,814 प्रदेश में कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 1,66,521 ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 74,480 एक्टिव केस प्रदेश में हैं, जबकि 3,896 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। 37% मौत 7 पर्वतीय जनपदों में है
और पहाड़ी जिलों में भी अब मौत का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। काफ़ी जगहों पर मौत की खबरें सामने आ रही हैं, कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ रहे हैं। ज़िले वाइज अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में देहरादून में 1857 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले दिनों का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए थोड़ा राहत की बात यह है कि थोड़ा कम ये मामला यहाँ पर सामने आया है। चंपावत की संक्रमण दर पिछले 24 घंटों में 35% रही, सबसे अधिक रही। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब जो सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, इस कर्फ्यू का असर क्या अब देखने को मिलेगा, क्या ये जो पीक थी वो निकल चुकी और मामले क्या अब स्टेबल रहेंगे, इन तमाम बातों पर नज़र रहेगी। लेकिन मौत के आंकड़े चिंता अभी भी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब कोरोना के आंकड़ों से ही जुड़ी हुई एक ऐसी बात जो कि प्रदेश की चिंता बढ़ाती है और ये बताती है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति जो भयावह है, जो रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन टूटते गए पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पर संक्रमण की दर तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो मौत की दर है ये भी बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी तेजी के साथ पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ी है। स्थिति अब ये हो चली है कि जो हिमालयी राज्य हैं उनमें जो मृत्यु दर है उसमें उत्तराखंड सबसे आगे आ चुका है, यानी कि पहले नंबर पर उत्तराखंड इन हिमालयी राज्यों में है जहाँ पर मृत्यु प्रति लाख 37 है, यानी कि 1,00,000 लोगों पर 37 लोगों की मृत्यु। ये रेट उत्तराखंड का है, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर जिसे कहा जाता है, और ये हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक 37 है, हिमाचल में 28 है, सिक्किम में 28 है, मणिपुर में 18 है, त्रिपुरा में 11 है, मेघालय में 8, नागालैंड 7, अरुणाचल 4 और मिजोरम में 2 है। यानी कि 1,00,000 आबादी पर 2 लोगों की मृत्यु हो रही है मिजोरम में, जो कि सबसे कम है, और सबसे अधिक उत्तराखंड में 1,00,000 आबादी पर 37 लोगों की मृत्यु उत्तराखंड में हो रही है। सिर्फ हिमालयी राज्यों के बारे में ये बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर बात करें तो उत्तराखंड 9वें नंबर पर इस ग्राफ में आता है जहां की मृत्यु दर सबसे अधिक है। ऐसे मामलों में पूरे देश भर में 9वें नंबर पर और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर आता है जहां पर मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। तो ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आपने देखे होंगे, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, कभी 180, कभी 187, कभी 170, कभी 168 मामले सामने आ गए, तो ये बताता है कि मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट अभी भी तेज है। ऐसे में चिंता इस बात की कि संक्रमण तो भले ही कुछ कम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मृत्यु दर और मृत्यु ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब देखना यह है कि ये जो पीक है मृत्यु की, ये कब स्टेबल होती है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।